जिला सोनभद्र ग्राम पंचायत चपिल से महिला प्रधान वंदना कुमारी प्रतिनिधि महेश सिंह ने दलितों के आवास में किया पैसे की मांग। जिला सोनभद्र ग्राम पंचायत चपिल में दलित शोषण असहायों के प्रधान प्रतिनिधि द्वारा आवास देने को लेकर पैसे की मांग की गई। मामला संज्ञान में आया कि ग्राम पंचायत चपिल के ग्रामीण जनता का कहना है, हमारे ग्राम पंचायत में ना ही रास्ता है ना ही पीने के पानी का कोई साधन है। 4 साल से नल की लगी पड़ी हुई है, वो जहाँ पर उसमें पानी नदारत है, टोटी लगी है मगर पानी नहीं है। हर ग्राम पंचायत में गली चौराहे पर RCC रोड या इंटरलॉकिंग का सरकार द्वारा व्यवस्था है, लेकिन दलित बस्ती में अभी तक रोड रास्ता टूटा फूटा और जर्जर पड़ा है। पेयजल की सुविधा एक पानी का टंकी लगा हुआ है, इस टंकी से पूरा गांव पानी पीता है। दलित बस्ती में पति पत्नी दोनों विकलांग हैं और दोनों आँख से अंधे हैं। अभी तक सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हुई, एक आवास मिला हुआ है वो भी आधा अधूरा बना है। उन विकलांगों को तो प्रधान द्वारा सरकार से गुहार लगा करके पूरी सुविधा दिलवाना चाहिए। प्रधान प्रतिनिधि का कहना है, हमारे ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण कराया गया, ऑनलाइन व्यवस्था कराया गया, अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया, गोदाम सेंटर बनवाया, आंगनबाड़ी का कायाकल्प कराया, प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया और इंटरलॉकिंग कराया गया, हैंडपम्प का, फाउंडेशन का, सभी कुछ बनवाया गया। जिला सोनभद्र शिविर चीफ महेंद्र प्रसाद की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हरिहर। ग्राम पंचायत चपिल। जिला सोनभद्र। हाँ, क्या कहना चाहते हैं, क्या दिक्कत है इस गांव में? दिक्कत का भाई, पानी अभी चलती है हमारे गांव में, पानी नहीं है। अच्छा। चार साल से दिन भर पानी नहीं मिला। और रोड रास्ता? रोड रास्ता तो ये देखिए है, हाँ नहीं तो रोड खराब है, बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, इसको पक्का बनना चाहिए। हाँ, और पानी उनी क्या दिक्कत है? पानी बता दे, नहनी ये बैठल बा टंकी टूटी, बाकी 4 साल से होगल पानी नहीं हमारे खेत। अच्छा, मतलब टंकी पोखरा के नीचे बैठल बाई, समझ है ना, वो जना आ रहा है तो चौथा तीसरा प्रधान बनवले रहे टंकी, तो खनवले से गली गली सबके पानी देते रहे, एक प्रधान दे दिले 3-4 साल। आपका शौचालय आवास मिला है? हाँ, शौचालय हाँ मिलल बा। आवास हो? पुराना नहीं है, गल 4 साल। अच्छा अच्छा, आपके बना है कि लड़के का? हमारा और लड़का का, बाकी बा शौचालय वो वही हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? कलावती जी। और ग्राम पंचायत चपाइल? चपाइल। जिला सोनभद्र? जिला सोनभद्र। अच्छा, क्या आप कहना चाहती हैं, क्या हम दिक्कत? हम ये कहले चाहता है कि हमन के गली में घर बा, खाची में रेंगत आई, जब अरे जाड़ा के दिन अथुआ होता भादो का, तो फिर गर्मी में माय माटी धूर कबरती या सोलंग वाला गाड़ी घोड़ा का साधन नहीं के दुआरी पर गाड़ी चल जाए, न पानी बा न तो गाड़ी घोड़ा साधन। आवास मिला है आपका? नहीं, आवास नहीं मिला है। शौचालय? शौचालय मिला। तो आवास तो प्रधान जी से नहीं बोलेंगे हमारा बनवाइए? नहीं बोला था, इजा तो कहता के अब वो प्रधान में नहीं लड़लू, तो ये प्रधान में का नहीं के दे ही सभा में दे दे, तो दूसर प्रधान में तो का करिए, पैसा दे दा वही तुरंत बन जाए। पैसा मांगते हैं तब, और प्रधान मांगता तो काहे झूठ बोली जा। कितना मांगलन? कितना मांगा ना, 5,000। अच्छा, क्या नाम है आपका? आवास के लिए प्रधान जी से बोली थी कभी? प्रधान कहा था, सुनते हैं प्रधान जी आदमी, तब ना गरीब आदमी थोड़ा पानी, अब पानी का दिक्कत बहुत, टंकी टंगल बा, पानी का ठेका नहीं हमर के, तरह देखा है पानी हम तब पानी आने वाला। तो आवास के लिए तो सरकार पैसा देता है, पैसा तो उसमें लगता नहीं है? नहीं तो घुस चाहिए ना, घुस आएगा मिले वाला नहीं, देखो सब पटले बना मिलता है, हमारे के सामने मिलता। क्या नाम है आपका? आवास नहीं मिला आपको? नहीं, प्रधान से बोलिए आवास देंगे, कहते हैं कि नहीं मिलेगा, बोले देंगे देंगे देवे नहीं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? महेश सिंह। ग्राम पंचायत चपाइल। जिला सोनभद्र। प्रधान जी का क्या नाम है? वंदना कुमारी। आपकी क्या है? बहू।
आप उनके प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि हैं। अच्छा, तो विकास में आप अपने गांव का क्या क्या अभी तक कराए हैं? हमें सड़क बना है। हाँ, इसके बाद इंटरलॉकिंग हुआ है। अच्छा अच्छा, और पोखरा उखरा का खनाई हुआ 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 है। इंटरलॉकिंग कई जगह बना हुआ है, कई जगह। अच्छा, कई जगह बना हुआ है, गांव में बना हुआ है, पुलिया बना हुआ है, आरसीसी आरआरसी सेंटर बना हुआ है। आरसीसी ने आरआरसी सेंटर, अच्छा, इसमें कबाड़ वबाड़ रखा जाता है, रखने के लिए व्यवस्था किया गया है, वो बना है वहाँ। वही आरआरसी के बगल में पुलिया बना है। आपके गांव में पंचायत भवन है? हाँ, पंचायत भवन है। पुराना बना हुआ है कि नया बनवाया? पुराना बना हुआ है। तो उसमें ऑनलाइन व्यवस्था हुआ है? हाँ, उसमें ऑनलाइन व्यवस्था हुआ है, कंप्यूटर सब कुछ व्यवस्था हो गया है। अच्छा, और जो है कि आपके गांव में अभी पानी का क्या व्यवस्था है, पेयजल का? हाँ, पेयजल का भी समस्या है। हमारे यहाँ जो जल नल योजना है, हाँ, उसके तहत अभी पाइप नहीं बिछा है गाँव में। अच्छा, लगा है। हाँ, पुराना सप्लाई वाला टंकी जो हमारे यहाँ बना है, हाँ, तो उसमें एक बार बीरो से बताए थे कि 30-30 रुपया टूटी को देना होगा, देकर कपड़े चलवाइए। कोई दे नहीं रहा है, इसीलिए चलना है, चलाने वाला को है, हमको पैसा चाहिए, उसको पैसा कहाँ से दिया जाएगा, यही दिक्कत है। अच्छा, तो अभी आपके गांव में क्या क्या कमी है, विकास के रास्ते में क्या क्या कमी है? विकास में तो अभी रोड जो PWD का यहाँ बन रहा है, अभी फिलहाल बन रहा है, लेकिन आधा रोड छोड़ कर लोग बनवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, आधा रोड बन गया है? अढ़ाई किलोमीटर हाँ लोग बना रहे हैं, लेकिन लगभग 1 किलोमीटर छोड़ देते हैं बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अढ़ाई किलोमीटर का टेंडर पास हुआ होगा। हाँ, तो और आपके यहाँ क्या क्या दिक्कत है अभी तक, आपके सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम कहना तो चाहते हैं कि हमारे गांव में अभी गांव में जो गलियां है इसमें खाँचोच होती है, इसमें इंटरलॉकिंग भी जाता है, आरआरसी बन जाता है, तो गांव बढ़िया हो जाता है। इसके बाद शौचालय वौचालय बना है यहाँ। अच्छा अच्छा, व्यक्तिगत शौचालय बना है। अच्छा अच्छा, मतलब इतना काम करवाए हैं, अभी इतना बाकी है? हाँ, बाकी गली वली नहीं बढ़िया बना है। अच्छा, रोड जो गलियां हैं वो नहीं बन पाई। रोड रास्ता यहाँ का कैसा है? रोड रास्ता लगभग ठीक है, जो ही कह रहे हैं हम। हाँ, 1 किलोमीटर तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। अच्छा, उसको भी बनना चाहिए। हाँ, उसको बनना चाहिए। चलिए, बने रहिए मेरे साथ।